हेलो गाइस, शुरू कीजिए ट्रेडिंग जर्नी हमारे साथ। हमारे अंडर ओपन करें डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट और आपको मिलेगी हमारे इंट्राडे प्रीमियम चैनल्स की फ्री मेंबरशिप और हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी। उसके लिए आपको करना क्या है, इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो आपको जस्ट यहाँ से क्लिक करना है। तो एक वेब पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, कंटिन्यू करना है तो आगे की ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सब कुछ क्लियर है। तो अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर के ऊपर कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। तो ट्रायल्स के लिए आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के ऊपर क्लिक करें। हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingprep.in। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक वीकली रिव्यू करते हैं, यानी फ्राइडे का। फिर मंडे के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है, फ्राइडे को कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। फ्राइडे का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 14720 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 14647। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी इंडेक्स ब्रेकआउट लेवल के ऊपर जहाँ पर फर्स्ट टारगेट को मार्क किया था वहाँ पर ही एग्जैक्ट ओपन हुआ और यहाँ से टूवर्ड साउथ की तरफ आया। तो ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक करने के बाद एग्जैक्ट फर्स्ट टारगेट के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया, बाउंस बैक हुआ, ब्रेकआउट लेवल के पास रेजिस्टेंस फेस किया और जैसे दोबारा फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ आया तो फर्स्ट टारगेट अचीव करने के बाद सेकेंड टारगेट भी अचीव किया और एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया है। तो ये लेवल्स काफ़ी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक्यूरेट काम करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करें तो काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। ये था फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। अभी मंडे के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसके लिए एक बार वीकली और मंथली चार्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि वीक खत्म हो गया है तो वीकली चार्ट भी एनालिसिस करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी थोड़े से ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रहे, अब उसके बावजूद अमेरिका देखे बाकी यूरोप कंट्रीज़ के इंडेक्स देखे तो ज़बरदस्त तेज़ी के साथ फ्राइडे को बंद हुए। लेकिन एशिया में अभी फ़िलहाल कुछ टेंशन चल रहा है, इसराइल फिलिस्तीन का जो संघर्ष चालू है उसमें हो सकता है कुछ और भी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो, तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल सकता है इंडियन मार्केट्स में। तो सबसे पहले मंथली चार्ट को देख लेते हैं। मंथली चार्ट अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो मंथली चार्ट का भी हम लोग एनालिसिस करते हैं। ये फेब्रुवरी का जो कैंडल है ये मॉडरेट बुलिश कैंडल बना था, ना ही ज़्यादा बुलिश ना ही ज़्यादा बेरिश था। तो यहाँ पर ये जो इसका हाई और इसका ये जो लो बन रहा है ये अभी तक 3 महीने हो चुके, तीसरा महीना चल रहा है, अभी तक इसका हाई या फिर लो ब्रेक नहीं हुआ है। एक कंसोलिडेशन फेज में निफ्टी इंडेक्स चल रहा है, लॉन्गर टाइम फ्रेम में आपको ज़्यादा क्लियर पिक्चर दिखाई देता है। तो यहाँ पर अभी तक हायर हाइज नहीं बन पा रहे ना लोअर लोज बन पा रहे, एक साइडवेज पैटर्न में यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स मंथली चार्ट में चल रहा है। वीकली चार्ट को अगर देखें, वीक खत्म हो चुका है तो जैसे कि हम आइडेंटिफाई किया था ये 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक हम निफ्टी इंडेक्स का ट्रेंड बुलिश है मान के चले तो ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पर ये बाउंस बैक की कोशिश कर रहा है लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो चल रहे और साथ ही साथ कोरोना वायरस का जो सेकेंड वेव यहाँ पर न्यूज़ में दिखाई दे रहा है उस तरह से यहाँ पर काफ़ी प्रेशर निफ्टी इंडेक्स में देखा जा रहा है। कंटिन्यूस फेब्रुवरी मंथ से साइडवेज पैटर्न में ये चलते हुए नज़र आ रहा है। तो अभी फ़िलहाल जब तक 20 EMA के ऊपर वीकली चार्ट में ये सस्टेन करे तब तक ट्रेंड जो है वो बुलिश है मान के चल सकते हैं। हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को अगर ड्रॉ करें इस तरह से तो 23.6% के लेवल के पास ये देखिए सपोर्ट टेस्ट कर रहा है, यहाँ पर बार बार ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। तो 20 EMA को जब ये ब्रेक करेगा यानी ऑलमोस्ट 23.6% का लेवल जब ये ब्रेक करेगा तो ये निफ्टी इंडेक्स यहाँ से टूवर्ड साउथ की तरफ तेज़ी से आ सकता है। अदरवाइज टेक्निकली हम कह सकते हैं एक सपोर्ट के ऊपर निफ्टी इंडेक्स अभी भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये वीकली चार्ट का सीनारियो है। अभी डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट में लास्ट फ्राइडे का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ करके कैसे लेवल के अकॉर्डिंग ये रिवर्सल ट्रेंड लेता है, कहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट फेस करता है ये आइडेंटिफाई किया था।
तो ये जो छोटा सा मूव आया था, इसका लो और हाई पकड़ के अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करें, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 61.8% के यहाँ पर ये सपोर्ट टेस्ट करा, इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ। तो 14,600 के नीचे अगर आके क्लोज होता है तो निफ्टी इंडेक्स 100 EMA तक आ सकता है। ठीक है, तो इन लेवल्स के अकॉर्डिंग आप अपना कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस यहाँ पर बना सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। तो डेली चार्ट में फिलहाल अभी ये 20-50 EMA अच्छे से सपोर्ट का काम कर सकते हैं। अगर इनको अगर ये रिस्पेक्ट करता है तो निफ्टी यहाँ से फिर से बाउंस बैक हो सकता है। अभी चलते हैं आर्ली चार्ट में। आर्ली चार्ट में क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। नीचे RSI देखें तो 70 और 30, ये जो ओवर बॉट और ओवर सोल्ड जोन माना जाता है, तो 30 के पास जैसे ही ये आ जाता है, ये देखिए यहाँ पर 30 के पास, तो ऊपर हमेशा हमें देखने को मिला है कि बाउंस बैक नज़र आता है। ठीक है, यहाँ पर बाउंस बैक नज़र आता है, तो अभी फिर से ये 30 लेवल के पास आ गया और इसने एक पैटर्न बनाया, राइजिंग डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर, अगर मैं प्राइस एक्शन को यहाँ पर लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ, ये देखिए, तो एग्जैक्ट यहाँ पर W पैटर्न है, राइजिंग बॉटम्स, तो ये बुलिश ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न होता है। जब भी ऐसा पैटर्न आता है पास में, आपने अगर हमें कई दिनों से फॉलो किया है, तो जब जब हमने ये पैटर्न को फॉलो किया है तो मोस्ट ऑफ द टाइम 90% टाइम ये यहाँ से अपसाइड मूव दिखाया है, एक ट्रेंड रिवर्सल दिखाया है। तो देखते हैं मंडे के लिए हमारे इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकते हैं। अभी ये देखें तो एक कंसोलिडेशन फेज में ऑलमोस्ट फ्राइडे के दिन ट्रेड हो रहा था निफ्टी इंडेक्स। अभी अगर ऊपर जाता है तो काफ़ी सारे हर्डल्स है, 100 EMA, 50 EMA, 20 EMA, ये जो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस है, ये हर्डल का काम कर सकते हैं। इसको कंप्लीटली ब्रेक होने दीजिए तीनों के ऊपर, यानी 14,747 ये हमारा होगा ब्रेकआउट लेवल। इसके ऊपर अगर सस्टेन करे तो ये इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन बना सकते हो, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,768, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 14,788, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो लोएस्ट क्लोज फ्राइडे का जो आर्ली चार्ट में था, लोएस्ट क्लोज अराउंड 14,620, ये हमारा होगा ब्रेकडाउन लेवल। इसके नीचे सस्टेन करें तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,602, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 14,581, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स मंडे के लिए, यानी 17 मई के लिए। अभी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है वो आइडेंटिफाई करते हैं। बैंक निफ्टी प्राइस एक्शन वर्सेस RSI को देखें, ये 60 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में भी RSI 30 के लेवल के पास आ चुका है, और यहाँ पर भी इसने डबल बॉटम जैसा RSI में पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है यहाँ से मंडे को हमें एक बाउंस बैक देखने को मिले। तो ब्रेकआउट लेवल कहाँ पर होगा? आर्ली चार्ट को चार कैंडल आप देखें तो यहाँ पर एक साइडवेज पैटर्न बनाया है कैंडल्स ने, ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो ये जो रेंज यहाँ पर क्रिएट हुआ है, इसका हायर बैंड यानी अपर बैंड 32,321, ये हमारा होगा ब्रेकआउट लेवल। इसके ऊपर अगर सस्टेन करे तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 32,411, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा ये 20 EMA का पिंक लाइन जो कि 32,472 के पास है, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो इस लेवल यहाँ से जो बाउंस बैक दिखा है इसने, देखिए पास्ट में यहाँ पर लंबी लंबी इसने शेडो छोड़ दी है नीचे की तरफ, ये देखिए इस कैंडल ने लंबा शेडो छोड़ दिया है, इसने भी लंबा, इसने यहाँ से बाउंस बैक हुआ, तो इस लेवल को अगर कम्प्लीटली ब्रेक करे टूवर्ड साउथ की तरफ तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 32,004, ये हमारा 1 सेकेंड 31,986, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 31,901, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ठीक है, तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स फ्राइडे के लिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।